नमस्ते बच्चों, आज हैट हैट भैया आपके साथ खिलौना शेयर करने आए हैं जो पेप्पा पिक का क्रिसमस काउंटडाउन कैलेंडर है। हर साल क्रिसमस से पहले ऐसे कई काउंटडाउन सरप्राइज और खिलौने निकलते हैं। हर दिन एक खोलने पर आपको एक सरप्राइज मिलेगा। ये पेप्पा पिक थीम पर आधारित है। पिगी डैड, पिगी मम, सांता क्लॉज के कपड़े पहने पेप्पा और प्यारा जॉर्ज यहाँ हैं, और सांता क्लॉज ने सबके लिए ढेर सारे उपहार लाए हैं। वे क्रिसमस ट्री के नीचे इकट्ठा हुए हैं। ये दृश्य भी बहुत सुंदर है। ये शायद रात का समय है, बर्फ भी गिर रही है। आज कैसा दिन है? यह 12 दिसंबर की 5 तारीख होनी चाहिए। अभी भी 20 दिन क्रिसमस मनाने हैं, इसलिए युए युए भैया ने सभी के लिए इस क्रिसमस कैलेंडर को खोलने का निर्णय लिया। सभी स्क्वायर खुल जाएंगे और फिर इसमें क्रिसमस पर बाहर स्कीइंग करने वाले हैं, और अधिक प्यारे पात्र मिसेज एंटीलोप होने के साथ छोटी लोमड़ी, हाथी एमिली और ये छोटा झेबरा सुई है, वे स्कीइंग कर रहे हैं। उनके घर के सामने वाला छोटा तालाब, सब कुछ पहले ही जम चुका है। सर्दियों में हम न केवल स्कीइंग कर सकते हैं, बल्कि यहाँ स्केटिंग रिंग भी है जहाँ हम स्केटिंग कर सकते हैं। तो लगता है ये हमारा आने वाला दृश्य है। आज हम 5 तारीख को यहाँ हैं। सबके लिए 5 में विभाजित करें। पहले बीच का सबसे बड़ा नंबर 1 को खोलें। मुझे लगता है ये भी एक क्रिसमस ट्री है। ये उस पजामा हीरो के समान ही है, लेकिन ये गिरना आसान है, इसलिए मुझे पेपा की मदद से इसे सहारा देना होगा। पेपा इसे सहारा देने पर ये शायद नहीं गिरेगा। ये देखें, पेपा पिग में क्रिसमस ट्री। हमें पेपा के साथ मिलकर क्रिसमस मनाना है। ये उस प्रकार का एक है, वर्णन से परे एक क्रिसमस ट्री के नीचे लाल बर्तन है, बहुत प्यारा है। इसे यहाँ रख दें। फिर हम कैलेंडर के अनुसार पहली तारीख को चलते हैं। दूसरी तारीख, पिगी डैड को खोल दिया गया। वाह, हमारी पेप्पा पिग की मुख्य पात्र आ गई है। क्या इसमें डैडी पिग और मम्मी पिग भी होंगे? मुझे भी नहीं पता। बर्फ पर बैठी हुई पेपा पिक की तरह लगती है। शायद ये एक स्लाइडिंग किस्म का है। प्यारा लाल टोपी वाला पेपा पीले रंग की छोटी जूतियों को इस तरफ तेजी से जमीन पर रखें। आओ स्कीइंग करें। क्या आप भी सर्दियों में स्कीइंग करना पसंद करते हैं? यह 3 नंबर है। 3 नंबर थोड़ा संकरा है। ये वास्तव में पजामा मास्क के समान ही एक रूटीन है। एक जामुनी रंग का छोटा उपहार बॉक्स क्रिसमस ट्री की सजावट में। ये ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे रख दें, बाद में हम नीचे कैसे देखेंगे। चौथा दिन, अरे इतनी जल्दी, ये पेड्रो पोनी है, मैंने गलती की। नहीं नहीं होनी चाहिए, चश्मा पहने हुए। प्यारा है, ऐसे क्या कहें, हरी ड्रेस, जामुनी रंग के जूते। वह पेपा के साथ स्कीइंग के लिए आ सकते हैं। देखो वे सभी एक बर्फीले खेत में हैं। पेगी, ओह आज 5 तारीख है। 5 कहाँ है? 24 आखिरी दिन है। 5 आपने देखा? अरे मैंने पाया, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे। मुझे लगता है कि ये एक छोटा बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है। आज से नीचे उतारने के बाद मेरा ये कवर अब गिरने वाला है। यह एक लाल रंग का छोटा उपहार बॉक्स है। ये भी हमारे क्रिसमस ट्री के नीचे रखने के लिए है, जैसे कवर पेज पे बनाया गया है। सभी यहाँ क्रिसमस ट्री के आसपास बैठे हैं। अभी भी बहुत सारे बॉक्स हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे खोलना है। आज हमने 5 बॉक्स खोले, क्योंकि आज 5 तारीख है। तो बच्चों, क्या आप एक बार में सब कुछ खोलना पसंद करते हैं, या एक दिन में एक? कृपया यूयू भैया को टिप्पणी में बताएं। हम अगली बार फिर मिलेंगे।